स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? हमने आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसकी मैंने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करवा रखी है, स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। अगर किसी ने कोई लेक्चर नहीं देखा तो चैनल पर सर्च करके, मैंने इसकी अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है, कंटेम्प्रेरी की अलग से, चाइल्डहुड की अलग से, पेडागोजी की अलग से, जो भी आपके सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर दिए हैं तो वहां से आप सर्च करके देख सकते हो। नहीं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ यूनिट का, वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन से नए आर्थिक सुधार हुए थे और उसका एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, एजुकेशन के बारे में लिखना है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, उनकी रुचियां हैं, उनकी रुचियों को बाहर निकालती है। शिक्षा के द्वारा ही हम बाहर निकाल सकते हैं और इसका क्षेत्र जो है काफी ब्रॉड है। कोई भी बच्चा कभी भी शिक्षा ले सकता है कहीं से भी। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, नॉन फॉर्मल होगी। एंड देन उसके बाद हमने लिखना है एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे जिज्ञासा, बच्चे के अंदर अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करनी और अधिक जानने की इच्छा। कभी भी उसकी जिज्ञासा जो है शांत नहीं होनी चाहिए। जब तक उसको जानने की इच्छा लगी रहेगी तब ही वो कुछ नया सीख सकता है। व्यवसायीकरण यानी कि वोकेशनलाइजेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना कि कोई बच्चा अगर शिक्षा लेता है उसके बाद ये ना हो कि वो बेरोजगार बैठा रहे, वो शिक्षा लेकर कोई भी अपना काम धंधा अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। सर्वांगीण विकास यानी कि बच्चे का हर पक्ष से विकास करना, उसका नैतिक, उसका आध्यात्मिक, उसका आर्थिक, उसका सामाजिक, सब तरह से उसका विकास करना शिक्षा का पर्पज है। नई सामग्री यानी कि नई सामग्री का मतलब क्या है, न्यू टेक्निक शिक्षा में लेकर आना, नई नई टेक्निक से बच्चों को सिखाना ताकि जो बच्चों की जिज्ञासा और अधिक जानने की इच्छा उनमें लगी रहे। अगर बच्चे को समझ नहीं आता तो टीचर्स को ट्रेनिंग देना कि वो यानी अपनी शिक्षण सामग्रियों में, अपनी सहायक सामग्रियों में चेंज करके बच्चे को समझा सके। ज्ञान का विस्तार, अधिक से अधिक बच्चों को नॉलेज देना। इसका क्षेत्र क्या है, शिक्षा का नैरो ना होकर काफी ब्रॉड है, क्योंकि ज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो कभी भी सीमित नहीं होता। ज्ञान किसी भी उम्र में कहीं से भी हम ले सकते हैं। रुचि को बाहर निकालना यानी कि जो इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर छिपी हुई योग्यताएं हैं उसको भी बाहर निकालना। अनुशासन प्रिय यानी कि डिसिप्लिन, उसको अपने आप ही अनुशासन में रहना सीखे बच्चा। शिक्षा ऐसे देनी चाहिए, शिक्षा का मेन पर्पस क्या है कि बच्चे को डांटा फटकारा ना जाए बल्कि प्यार से ही उसे समझाया जाए ताकि वो खुद को खुद अनुशासन प्रिय हो। भेदभाव रहित यानी कि किसी बच्चे में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर क्लास में भेदभाव रहित वातावरण होगा तो वो समाज में भी अच्छा नागरिक सिद्ध होगा। ट्रेन टीचर, ज्यादा से ज्यादा जो टीचर्स की क्वालिटी को उभार कर लेकर आना, क्वालिटी उनकी लेकर आना कि अच्छा टीचर बनाना, उनकी स्किल अच्छी डेवलप करना, उनको ट्रेन करना। ओके, संस्कृति का विकास, जो हमारा कल्चर है डेवलप, उसको कल्चर को डेवलप करना, उसको और अधिक लेकर जाना। बच्चे को कल्चर से रिलेटेड कुछ भी नाटक या कुछ भी एक्टिविटी स्कूल में करवाना जिसके द्वारा जो बच्चा है अपने कल्चर के टच में रहे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद अपना जो मेन टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन के ऊपर, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो तीन तरह के रिफॉर्म्स दिए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और विश्वीकरण। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण। उदारीकरण जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उदार, किसी का उदार करना। इसी तरह ही गवर्नमेंट ने क्या नीति अपनाई थी कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया था भी, किसी को भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी काम धंधा कोई भी व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो बिना लाइसेंस के भी वो कहीं पर भी कोई भी संस्था स्टार्ट कर सकता है। तो कौन से विशेष क्षेत्र थे जिनको लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई केमिकल से रिलेटेड हो ड्रिंक्स मीन्स की शराब वगैरह, ओके, ड्रग्स हो,
ठीक है, खाद्य सामग्री हो, तो इन पर तो लाइसेंस लेना पड़ता था। इन क्षेत्रों को छोड़कर सबको ही लाइसेंस मुक्त बना दिया था। यानी मेन क्या है इसका लिबरलाइजेशन, कि गवर्नमेंट ने ऐसी नीति अपनाई थी कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया था, उदार कर दिया था सबका। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एजुकेशन के ऊपर, फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा है, लैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन अब उदार कर दिया है, तो जस्ट सिंपल सी बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में रिलैक्सेशन मिलेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन में जब रिलैक्सेशन मिलेगी एजुकेशन में, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो इतने हार्ड रूल नहीं होंगे तो वो कोशिश करेगा एक अच्छी संस्था स्थापित करने की, एक अच्छी संस्था बच्चों को देने की। यहाँ पर बच्चों को हर तरह का एनवायरमेंट दिया जाए, स्टडी से रिलेटेड उनको हर मेटीरियल उपलब्ध कराया जाए, उनकी जो जिज्ञासा है उनको शांत करने की कोशिश की जाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में रिलैक्सेशन की थी, जिसके कारण जो नई नई संस्थाएं, नए नए स्कूल, नई नई यूनिवर्सिटी खोज में आए थे। एंड देन फ्रीडम आजादी दी गई थी, कोई किसी को भी ये बंदिश नहीं थी कि हाँ कोई व्यक्ति अगर मुसलमान है, हिंदू है या सिख है, कि हाँ हिंदू ही यूनिवर्सिटी खोल सकता है या इंस्टीट्यूट चला सकता है या कोचिंग सेंटर चला सकता है, ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। यानी सबको आजादी दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल अगर इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, बस उसमें क्या है कि उसमें जो उनकी एफिलिएशन है वो दी जाती थी। एफिलिएशन किस तरह से दी जाती थी, कि स्कूल का स्टाफ जो है वेल एजुकेटेड हो, अच्छा एनवायरमेंट हो, अच्छा क्लासरूम हो, क्लासरूम में फैसिलिटीज हो, ये सब चीजें देखी जाती थी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचकीलापन बनाया गया, लचीलापन था। इम्पैक्ट क्या पड़ा एक लिबरलाइजेशन का, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि उदारीकरण के कारण जो बच्चों में हम स्कूल का पाठ्यक्रम है, कक्षा का बच्चों का सिलेबस है, उसमें भी चेंज फेरबदल कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अगर कोई बिल्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, अगर मान लो उसको एफिलिएशन मिल गई, उसके बाद वो बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। स्कूल के स्टाफ को कम ज्यादा करना चाहता है वो कर सकता है। स्कूल का स्टाफ अगर अच्छा काम नहीं कर सकता, अगर किसी और टीचर को लाना चाहता है, तो वो सब तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी को सुधारा गया था एजुकेशन में, इम्प्रूव की गई थी क्वालिटी को, ज्यादा बेहतरीन ढंग से बनाया गया था। वही है कि जब हार्ड एंड सख्त रूल नहीं होंगे तो कोई भी संस्था है अपना 100% देने की कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं एजुकेशन में क्वालिटी को सुधारूं ताकि और बच्चे मुझसे जुड़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवा के मैं बच्चों को स्टैंड करवा सकूं। गॉट इट। एंड देन फिफ्थ आता है हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन यानी कि मान लो अब आप लोगों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, तो क्या है, बच्चा बस ये है कि हाँ मुझे 40% मार्क्स लेने हैं, बस हो गया बस इतना ही, जब 50 लेनी है बस हो गया। लेकिन जब आपके बीच में कंपटीशन की भावना होगी कि हाँ उसके 80% है, मुझे 85 लेने हैं, उसके 90 है, 95 है, तो क्या है, आप और अधिक अच्छा करने की कोशिश करोगे। ऐसे ही स्कूल्स में भी कंपटीशन होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल खोले जाते हैं तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी संस्था से जुड़े बच्चे, हमारे बच्चे ज्यादा हो, हम बच्चों को इतनी फैसिलिटी दें, हर प्रकार की फैसिलिटी दें, हर प्रकार का उनको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें ताकि जो ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे हमारी संस्था से जुड़ सकें, ठीक है। तो हाई कंपटीशन भी है इसका एक इम्पैक्ट किया कदम। एक्सपोज ऑफ टैलेंट, यानी किसी भी बच्चे के टैलेंट को एक्सपोज करना। मान लो कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, तो अगर कोई डांस एकेडमी खोलनी चाहता है कोई संस्था, तो अलग से वो डांस इंस्टीट्यूट डांस एकेडमी खोल सकता है, सिंगिंग के लिए सिंगिंग एकेडमी खोल सकता है। तो कोई हार्ड एंड रेगुलेशन वो नहीं है, रिलैक्सेशन दी गई है रेगुलेशन में कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई डांस एकेडमी खोलना चाहता है बच्चे के टैलेंट के, अगर मान लो स्कूल में काफी बच्चे हैं, टैलेंटेड है, वो डांस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, स्कूल वाले क्या चाहते हैं कि स्कूल के साथ साथ में बच्चों को डांस में भी अच्छा दे सकूं, तो उसके लिए वो क्या है, अलग से डांस एकेडमी अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। नो हार्ड रूल, वही चीज आ गई, कोई भी हार्ड रूल इतने नहीं है कि व्यक्ति को दिक्कत आए, कोई भी इंस्टीट्यूट खोल लेंगी, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल लेंगी या कुछ भी खोल लेंगी, बस मेन क्या चीज है कि उसके अंदर वो चीज होनी चाहिए। अगर हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक कमरा है बंद सा है बस उसी में एजुकेशन, नहीं ऐसा नहीं,
मतलब कि एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट देखे तो उसे ये लगे कि हाँ इस संस्था में कुछ है, तो उनको एफिलिएशन आसानी से मिल जाती है। बस वो सारे रूल ऑफ रेगुलेशन जो है थोड़े उसमें सख्ताई नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन कोई हार्ड नहीं है, बस वो चीज फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड देन हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। आप नाम से भी समझते हो निजी क्या होती है, प्राइवेट यानी मेरा खुद का। इसी तरह ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि कुछ सेक्टर्स को बेच दिया था उन्होंने, काफी संस्थाओं को क्या है प्राइवेट निजीकरण लोगों के हाथों में सौंप दिया था। लोग थे जो टेंडर लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनको वो संस्था ले लेते थे और खुद चलाते थे, और जो गवर्नमेंट को थे वो गवर्नमेंट को जो भी पैसे थे वो दे देते थे, जिसके कारण गवर्नमेंट का क्या वो फायदा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो हर एक फैसिलिटी स्कूल में प्रोवाइड करवा सके। अगर वो संस्था को जो है स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, निजीकरण दे रही है, तो जो प्राइवेट लोग हैं अब उन्होंने गवर्नमेंट को जितना पैसा था वो दे दिया, अब क्या है प्राइवेट लोग और अधिक बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा। यानी कि कुछ महकमे जो थे कुछ स्कूल्स वगैरह बेच दिए थे और वो निजी हाथों में आ गए थे। क्वालिटी इम्प्रूव क्या है, वही है अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई स्कूल संस्था बेच दी गई है गवर्नमेंट ने, तो क्या है वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट संस्था चाहे कितनी भी अच्छी हो, उनमें वेल क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन टीचर क्या है उनको इतनी अच्छी 40-50 हजार सैलरी मिलती है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। बस उनका मेन पर्पज क्या है, बस अटेंडेंस लगाई कि हो गया जितना काम था बस करवा दिया। मतलब कि वो ये नहीं चाहते कि हाँ मैं बच्ची को बेहतर देने की कोशिश करूं, बच्चों को स्कैन करूं। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल्स में दिक्कत है, लेकिन प्राइवेट क्या है वो अपनी संस्था को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्वालिटी लेकर आना चाहते हैं। तो इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन के ऊपर, कि टीचर्स की है क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बच्चे और अधिक बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो भी उनमें जिज्ञासा है, लैब वगैरह लाइब्रेरी की सारी किसी की फैसिलिटी उनको दी जाती है। गवर्नमेंट ट्रांसफर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टू प्राइवेट स्कूल, वही चीज आ गई कि गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर कर दिया है। तो ट्रांसफर करने के कारण जो प्राइवेट स्कूल है वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो एजुकेशन की है क्वालिटी काफी अच्छी होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। अब वो गवर्नमेंट स्कूलों में तो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वहां की ना तो बिल्डिंग इतनी अच्छी होती, अगर बिल्डिंग में कहीं क्रैक आ गया तो वो क्रैक आया ही पता नहीं कब ठीक होगा ये नहीं पता, ना कोई बेंचेस की सुविधा होती, ना ही जैसे कोई एसी वगैरह, अगर गर्मी में कोई ऐसा एनवायरमेंट नहीं होता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सबसे मोस्ट जो इफेक्टिव पार्ट कौन सा है, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि वहां पर हर एक फैसिलिटी बच्चे को दी जाती है, बच्चे को एनवायरमेंट दिया जाता है, बच्चे को अच्छे टीचर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टीचर जो है अपना 100% देने की कोशिश करता है। फैसिलिटीज वही है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छी फैसिलिटी देता है बच्चों को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके कारण यह पीपीपी हो गया है। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप हो गई है। तो इसके कारण क्या है जो पब्लिक सेक्टर है वो अपना ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। न्यू डेवलप स्ट्रेटजीज, नई नई टेक्निक अपनाते हैं एजुकेशन में, नई नई स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, टीचर्स को स्किल किया जाता है, टीचर्स क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस दी जाती है ताकि जो बच्चा है और अधिक बेहतर ढंग से सीख सके। स्टूडेंट्स बिलोंग टू गुड बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स जो है अच्छे बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करता है, स्टूडेंट्स बिलोंग टू गुड बैकग्राउंड, तो इसके कारण क्या है अगर अच्छा उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है तो उनका बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि बच्चों को अगर मान लो हमने इंग्लिश स्कूल में लगा दिया तो बच्चा क्या है कुछ ना कुछ नया सीखेगा, इंग्लिश में बात करना सीखेगा, तो जिसके कारण क्या है उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पेरेंट्स पर पड़ेगा, कि पेरेंट्स भी हाँ थोड़ा गर्व महसूस करेंगे कि हाँ हमारा बच्चा है इतना अच्छा बोलता है, अगर हम पैसे कुछ ज्यादा भी दे रहे हैं तब भी अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा भी सीख गया तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। तो इसके कारण जो है पेरेंट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड देन हमारा थर्ड आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो भी हमारे ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि सारे विश्व को एक सूत्र में बांधना। एक सूत्र में बांधना कैसे, कि किसी भी देश
कोई भी देश किसी भी देश के साथ कुछ भी लेन देन कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं लगाई जाती। अगर हमारे बच्चे हैं वो फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ उन बच्चों के पर ये बाहर वाली जो फॉरेन है कंट्री ये बंदिश लगा दे कि हाँ आप तो इंडिया के, वो हमारी कंट्री में नहीं स्टडी कर सकते। नहीं, ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि जो भी बच्चे हैं अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी और कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटी मिल जाती है, उनको रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि सारे देश के लिए जो है विश्व को एक सूत्र में बांधना, ठीक है, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ भारतत्व विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। कोई भी देश कहीं पर भी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध यानी कि अच्छे रिलेशन बनाना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एजुकेशन के ऊपर? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान है वो और अधिक ज्ञान का विस्तार हो गया है। अब मान लो हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और पढ़ा दिया उनको, लेकिन अगर कोई हमारा बच्चा है या टीचर है कोई बाहर गया और बाहर से मान लो कोई आया है फॉरेन कंट्री से आता है तो अपनी वो तकनीक को बताएगा कि हाँ आपने ऐसे नहीं बताना कि प्रोजेक्टर लगाओ, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस बनाओ, बच्चों को ये जो अट्रैक्टिव माहौल क्रिएट करो, तो जिसके कारण क्या है एजुकेशन और अधिक बेहतर होगी, ज्ञान का विस्तार। यानी ज्ञान क्या है, अब दूसरी कंट्री में कुछ और चीज टेक्निक है तो उस चीज को हम अपने देश पर लाने की कोशिश करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट विकास होगा रिसर्चर का। अब कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के लिए अगर उसे किसी और कंट्री में जाना पड़ता है तो वो वहां भी जाएगा तो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई जानी। यानी कि रिसर्च करने से जो उसकी नॉलेज भी क्रिएट होगी और जो एजुकेशन है वो भी अच्छी मिलेगी। यूज ऑफ न्यू टेक्निक, यानी कि अच्छी अच्छी टेक्निक यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर, जो क्वालिटीज है वो टीचर्स की इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। वही है कि हम गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हाँ फॉरेन कंट्री में क्या चल रहा है या टीचर कैसे पढ़ाते हैं, तो उस चीज को हमारे देश में भी लागू करते हैं। टू डेवलप वर्ल्ड सिटीजनशिप, यानी कि जो आपसी नागरिकता की भावना का विकास होता है, एक देश दूसरे देश के साथ मिलजुल कर रहता है, ये नहीं सोचता कि हाँ उस पर अटैक करना है जी, वो कंट्री आगे जा रही है डेवलप हो रही है उसको नीचे लेकर आना है, नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि एक देश दूसरे देश के काफी नजदीक आ गया है। न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ एजुकेशन, वही है, न्यू टेक्निक्स अपनाना, स्ट्रेटजीज अपनाना, फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर यानी कि अच्छे करेक्टर का निर्माण करना, वही है हम ग्लोबलाइजेशन के द्वारा कोई फॉरेन से लाई हुई चीज को सीखते हैं। कोई बच्चा बाहर से आता है जिसके कारण उसके करैक्टर को देखकर खुद जो इंडिया के बच्चे हैं वो सीखते हैं कि हाँ इनका करैक्टर इतना अच्छा है, बिना डांट फटकार के, बिना अगर डांटे हुए कोई बच्चा सीखता है तो वो बेहतरीन है, 100% अपना दे रहा है। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, अगर कोई हमारी चीज अच्छी है, अगर कोई फॉरनर यहाँ से लेना चाहता है तो लेकर जा सकता है, वो चीज वहां सिखाएगा, अगर हम वहां जाते हैं तो वहां की चीज इधर लेकर आएंगे। टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज एंड कल्चर, यानी कि मनुष्य के जो मूल्य हैं और कल्चर उसका विकास करना, वही है नैतिक विकास करना, ठीक है। कल्चर अगर फॉरेन के कल्चर को इधर लेकर आएंगे तो बच्चों को पता चलता है कि हाँ वहां का कल्चर ऐसा है, क्योंकि कल्चर किसी भी कंट्री का अच्छा या बुरा नहीं होता, सब कंट्रीज का कल्चर अच्छा होता है, ठीक है। तो वो देखने की अपनी हमारी थिंकिंग होती है कि हम उसको किस वे ऑफ थिंकिंग से देख रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, वही है इंक्लूसिव एजुकेशन का विकास करना। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, तो फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड होंगी, वही है हमारी सोच जो है ब्रॉड होगी, कैसे ब्रॉड होगी कि कुछ चीज हम कहीं से सीख रहे हैं, कुछ चीज कहीं से सीख रहे हैं, हम दूसरी कंट्री में चले गए तो वहां से हम कुछ ना कुछ सीख कर लाते हैं तो उसे अपने देश पर लागू करते हैं। ट्रेन टीचर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्रेन करना, संस्कृति का विकास यानी कि कल्चर डेवलप करना, सॉरी ये तो मैंने दूसरे आपको एम्स ऑफ एजुकेशन के बता दिए, वैसे लिख सकते हो ये भी ट्रेन टीचर, मैंने पहले पॉइंट आपको बता दिया है।
डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का विकास करना। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है, आने वाली वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।